अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। रेसिपी है छोले यानी कि चने। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे चने 300 ग्राम। मैंने इनको पहले ही बॉईल करके फ्रीज़ कर लिया था, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ज़ीरा लिया है थोड़ा सा, टर्मरिक पाउडर 2 पिंच, सॉल्ट 1 टीस्पून और 1 चिली। एक मीडियम साइज़ का ऑनियन है, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑयल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। इतना पकाना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अनियन पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी इसी तरह पका लेंगे। अनियंस को भी इतना ही पकाना है कि इसके अंदर जो है पानी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कच्चा टेस्ट ना आए। इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक डाला है 1/2 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालिए। सुर्ख मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, आधी काली मिर्च, आधा गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। जब मसाला रेडी हो जाए तो इसमें चने शामिल कर देंगे और चने शामिल करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच पर सही तरह भून लेना है। आप देख सकते हैं कि चने अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। मैंने 1 गिलास पानी को शामिल कर दिया है इसमें। अब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें बची हुई काली मिर्च और गरम मसाला शामिल करेंगे। इसके बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। लीजिए, हमारे चने बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।